मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मरीजों के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का सेवा शुभारंभ किया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन पुलिस लाइन एयर स्ट्रिप से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ किया। यह सेवा गरीब इमरजेंसी मरीजों के लिए उपचार के लिए अन्य स्थानों पर तत्काल कम समय में पहुंचाने में मददगार सिद्ध होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर स्ट्रिप एयर एम्बुलेंस इमरजेंसी मरीजों की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए वर्तमान में 4 सीटर प्लेन तथा 1 3 सीटर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया है। इमरजेंसी सेवा के लिए प्रयुक्त होने वाला हेलीकॉप्टर किसी भी स्थान पर लैंड कर सकता है। हेलीकॉप्टर में 1 स्ट्रेचर तथा 1 सीट डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए उपलब्ध होगी। इसी प्रकार प्लेन में 1 स्ट्रेचर के साथ 4 सीट भी उपलब्ध रहेंगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए इमरजेंसी मरीजों के परिजन एवं मुख्य चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी को कॉल करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा राज्य स्तर में नोडल अधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा। उनके द्वारा तत्काल एयर एम्बुलेंस संबंधित स्थान पर भेजी जाएगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। एम्बुलेंस सेवा का यहाँ पर शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के कर्मियों द्वारा, और यहाँ पर इसका शुभारंभ होते ही अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि ठीक है, जिसके अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड विंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। आईटीएच एयर एम्बुलेंस सर्विस द्वारा संचालित इस सेवा में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम होगी, जो कि फ्लाइंग डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडस्ट्रियल